सेविंग्स बैंक अकाउंट में काफी लिमिटेड फीचर्स होते हैं क्योंकि ये कुछ पर्सनल सेविंग्स और छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन किया जाता है। सेविंग्स अकाउंट को आप अपने बिजनेस के लिए, शॉप के लिए और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक अलग टाइप का बैंक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप जितने चाहे पैसे रख सकते हैं, जितने चाहे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन फुल केवाईसी के साथ करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक में ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको प्रोप्राइटरशिप अकाउंट ओपन करना है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसमें अकाउंट आपके बिजनेस के नेम से ओपन होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास GST, पैन कार्ड, ITR और आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपको इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करना है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसमें करंट अकाउंट आपके नेम से ओपन होगा और इसके लिए आपके पास सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपके सामने एक्सिस बैंक करंट अकाउंट के बेनिफिट्स आ जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप परमिशन देंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर डालेंगे। ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, इनको आप रीड करेंगे। आई एग्री। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आप यहां डालेंगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी तो आप यहां क्लिक करेंगे। आपका फोटो, नेम और डेट ऑफ बर्थ ये आपके आधार कार्ड से ले लेगा। बाकी डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस। ईमेल आईडी डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। आपकी ईमेल आईडी पर जो OTP सेंड किया जाएगा वो OTP आप यहां डालकर वेरीफाई करेंगे। अकाउंट ओपन करने का पर्पस में आप चूज कर लेंगे, आप ये अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं। ये सभी डिटेल्स फिल करके सेव पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। अगर आपको कोई नॉमिनी ऐड करना है तो आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके यहां से एक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। जिस एड्रेस पर बैंक से आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक चाहिए तो वो एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस टाइप में आप चूज कर लेंगे, ये एड्रेस किस टाइप का है, आपका अपना है, रेंट पर है या कंपनी ने दिया है। आपके पिन कोड पर जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। जिस ब्रांच में भी आपको अकाउंट ओपन करना है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव। सभी डिटेल्स ग्रीन हो चुकी है। नीचे एक क्वेश्चन है, इसको आप यस कर देंगे। मैं इंडियन सिटीजन हूं और इंडिया में ही टैक्स पे करता हूं। इसके बाद रिव्यू एंड प्रोसीड। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। आप एक बार इसको चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कुछ भी रॉन्ग है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आप डन करेंगे। इसके बाद वीडियो KYC के थ्रू आपको फुल KYC ऑनलाइन कंप्लीट करनी होगी, तो इसके लिए आप यहां पर कंसेंट देंगे और चेक एजेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। एजेंट को फाइंड किया जा रहा है। इसके बाद बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर जुड़ेगा। इस तरह से आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपका एक फोटो क्लिक करेगा, आपके पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक करेगा और साथ ही ब्लैंक पेपर पर जो आपने सिग्नेचर किए हैं उनका एक फोटो क्लिक करेगा, तो आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मेरी वीडियो KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको अपना डेबिट कार्ड चूज कर लेना है। आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना है, इस बैंक अकाउंट के साथ आपको दो तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक प्रीमियम बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड जिसका चार्ज है 500 रुपीज प्लस GST और दूसरा है बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड जिसका चार्ज है 250 रुपीज प्लस GST। मुझे बिजनेस क्लासिक डेबिट कार्ड लेना है जिसका चार्ज है 250 रुपीज प्लस GST, तो इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपको अपने इस अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपीज ऐड करने होंगे। इससे ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं 15,000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 15,000 डाल दिया है। अगर आपको 10,000 ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर 10,000 डाल देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस बैंक अकाउंट के सभी चार्जेस आ जाएंगे, जैसे कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस
बैलेंस इस अकाउंट में कितना रखना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आपको 15,000 रुपीस बैलेंस रखना होगा, और अगर आप छोटे शहरों से या गांव से हैं तो आपको 7,500 रुपए इसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको बैलेंस ऐड करना होगा, 15,000 रुपीस हम अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं प्लस 295 रुपीस डेबिट कार्ड का चार्ज है। ये पेमेंट आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फोन पे से करना है तो मैं फोन पे पर क्लिक करूंगा। इस तरह से आपका फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका अकाउंट नंबर और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, अकाउंट ओपन हो चुका है। साथ ही यहां पर आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हैं। नीचे आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, इसमें आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का एड्रेस और साथ ही अपना अमाउंट देख सकते हैं जो आपने इस अकाउंट में ऐड किया है। डेबिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए आप सेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक करेंगे। अपने डेबिट कार्ड का आपको जो भी पिन रखना है वो पिन यहां डालकर आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड को ऑनलाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इससे आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो आप सिम चूज कर लेंगे जिससे आपने एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन किया है। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आप अपना नेम डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको एक एमपिन सेट कर लेना है। बाद में जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको यही एमपिन डालना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद प्रोसीड, आपके सामने ये पेज आएगा, इसको आप स्कीप कर देंगे। फर्स्ट टाइम आप किसी भी सर्विस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं सेंड मनी पर क्लिक करता हूं, तो आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इसमें आप डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी और एटीएम पिन। ये डिटेल्स फिल करके आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप अपना एमपिन एंटर करेंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपके अकाउंट पे आपका पूरा कंट्रोल हो चुका है। यहीं से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाएगी। अकाउंट्स पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। अदर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने और भी सर्विसेज आ जाएगी, जैसे कि आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी यूसेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यानी इस एप्लीकेशन से आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अपने अकाउंट में जो बैलेंस आपने ऐड किया था वो भी आप यहीं पर देख सकते हैं। जैसे कि हमने 15,295 रुपीस ऐड किए थे, जैसे ही हमारा डेबिट कार्ड हमारे एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा तो 295 रुपीस उसका चार्ज कट हो जाएगा। सो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन एक्सिस बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।